तो गाइस फाइनली आ गया हमारा इंडियन बैक डाइविंग 3D का न्यू अपडेट, जिसमें अपन को काफ़ी कुछ चेंजिंग देखने को मिल गए हैं। तो दोस्तों सभी कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा, तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों ये देख सकते हो जो हमारा जो न्यू हाउस जो उसके अंदर ऐड हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी हाउस है। तो भाई मैंने देखा, मैंने सोचा भाई क्यों ना भाई अपन सब साथ में देखें। तो भाई वीडियो ज़रा सी भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई मैंने भाई ये मैं आपके साथ ही वीडियो शेयर कर रहा हूँ भाई, पहले भाई खुद अच्छी तरीके से इस गेम को भी नहीं देखा है, और भाई इसके भाई चिटकोड भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि भाई जो हमारा घर है वो टोटल भाई कांच का है भाई, अगर किसी ने पत्थर वत्थर फेंक दिया तो भाई हमारा घर को तो भाई नुकसान हो जाएगा, अपन को कांच रिपेयर करवाना पड़ेगा। खैर भाई ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो कांच है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है भाई, मैंने इसके अंदर गन चला के देख लिया है, कुछ भी नहीं हुआ भाई कांच को। तो भाई अब अपन सबसे ज़्यादा बड़े वाले फ्लोर पे जा रहे हैं, तो भाई ये हमारा थर्ड फ्लोर रहेगा, और अब भाई इसमें देख सकते हो उसको भाई अपन को ऊँचा को चक के जाना पड़ेगा भाई। तो भाई इधर से तो भाई सीन कुछ बढ़िया ही लग रहा है भाई, इधर से देख सकते हो काफ़ी दूर दूर तक का अपन को दिख रहा है वो। बाकी भाई इसकी जो छत है भाई इससे आगे अपन नहीं जा सकते हैं, तो यार अपन अब नीचे उतर जाते हैं। तो भाई नीचे का अभी अपन उतरेंगे, पहले भाई इधर पे मैं देख लेता हूँ, इधर पे मुझे कुछ लग रहा है भाई कुछ हैगा इधर पे, तो इधर का भी अपन राउंड मार लेते हैं। तो भाई इधर भाई मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं सोचा था भाई मुझे कुछ मिल जाएगा कुछ छुपा होगा। तो अपन अब इधर से भाई नाक के बाहर चलते हैं। तो यार ये क्या यार, मैं तो इधर पर लगता फंस गया, चलो कोई बात नहीं भाई मैं आ गया हूँ। भाई अपन को जाना है नीचे, तो भाई आप देख सकते हो कि जो हमारा हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी हाउस लग रहा है भाई, एकदम भाई किसी मूवी का सीन चल रहा हो वो, एकदम भाई ऐसे ही लग रहा है। आप देख सकते हो भाई कितना लग्जरी हमारा जो हाउस है, और इसकी जो सीढ़ी है भाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई। और भाई इधर आप देख सकते हो टोटल भाई कांच का भाई, एक इधर फ्रंट पे कांच आ गया, और ये हमारा गैरेज वगैरह है। अभी भाई मैं बता रहा हूँ चिटकोट भाई, थोड़ा सब्र तो करो यार, मैं सब बता रहा हूँ अभी आपको। देख सकते हो भाई जो हमारा हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी, और हमारे जो पीछे हाउस है उससे तो ज़्यादा अच्छा ही लग रहा है। तो आप देख सकते हो भाई इधर पे भाई अपन को पिलर वगैरह से मिल जाते हैं, और इधर हमारा गैरेज हैगा, और भाई टोटली भाई हमारा जो हाउस है भाई, जिसे अपन इतनी ज़्यादा सर्च कर रहे थे भाई कि हमारा इंडियन बैक ड्राइविंग 3D में न्यू हाउस कब होगा, तो भाई फाइनली वो दिन आ गया है और हमारा हाउस चेंज हो गया है। अब आता भाई मेन मुद्दा भाई जो चिटकोट का है। तो भाई पहले मैं बता दूँ आपकी लैम्बोर्गिनी का चिटकोट, तो लैम्बोर्गिनी का चिटकोड है आपको 4 बार 3 डायल करना है और आपको लैम्बोर्गिनी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको 4 बार 3 डायल करना है। बाकी आप देख सकते हो लैम्बोर्गिनी हमारी जो ग्रीन कलर में है। बाकी यार मैं सुन रहा था भाई इसके अंदर हमको कलर चेंजिंग का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो यार आपको मिले तो कमेंट पर ज़रूर बताना, और नहीं मिला जब भी मुझे कमेंट पर बताना। तो आप देख सकते हो उसका डोर भाई ओपन हो के होता है, और उसके जो अंदर का आप देख सकते हो सिस्टम यार, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिस्टम है यार इसका। देख सकते हो जो इसका भाई अपन को स्पीड वगैरह बता रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कूल हैगा, और भाई एकदम न्यू लग रहा है भाई इसके भाई। और बाकी और कारों के अंदर और ऐड हो जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। बाकी इसके अंदर स्टेयरिंग वगैरह भी आने थी, खैर वो नहीं आई, ना ही कलर चेंजिंग का ऑप्शन आया है, कोई बात नहीं भाई। और ये देख सकते हो भाई अपन इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, थोड़ा सा भाई इसको ड्राइव कर लेते हैं भाई, फिर उसके बाद मैं आपको आपकी R15 का चिटकोट बताऊंगा। तो भाई यार देख सकते हो भाई अपन यहाँ पे स्लिप मारने वाले हैं भाई, लैम्बोर्गिनी से स्लिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अरे अरे भाई यार ये तो भाई नई नवेली दुल्हन का भाई नुकसान हो गया भाई, ये देखो आगे से इसका बम्पर वगैरह है वो टूट गया है। चलो कोई बात नहीं, अपन दोबारा उसे चिटकोट से बुला लेंगे तो सही हो जाएगी। अब मैं आपको आपकी बाइक का चिटकोट बता देता हूँ। तो यार काफ़ी तेज़ाई से जा रहे हैं, और भाई साहब ये देखो भाई यार अपन तो यार कार ही से फिक गए हैं, तो यार काफ़ी बुरा वाला गंदा वाला हमारा जो एक्सीडेंट हो गया इधर पे, देख सकते हो भाई कार से ही फेंका दिया भाई, लैम्बोर्गिनी से बाहर आ गए भाई, वो भी फ्रंट से यार। चलो छोड़ो यार कोई बात नहीं, अपन अपनी अब आते हैं R15 V3 के पास। तो आपको भाई 0015 डाल करना है, और आपकी आ जाएगी बूम करके भाई R15। तो आप देख सकते हो एकदम ब्लू कलर के अंदर आई है, और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रही है भाई। और यार इसके ऊपर भाई बैठने का मेरा तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन यार इसकी यार ये डिस्प्ले यार क्या हो गया, ख़राब हो गई लगता है भाई, ये काम नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं यार। तो बाकी यार आज यार मैं गिरा ही गिरा हूँ, और भाई ये देखो यार मैं बता ही रहा था कि आज मैं भाई आज तो भाई ना मैं लैम्बोर्गिनी ठीक से चला पाया हूँ, ना ही हमारी R15 चला पाया हूँ भाई, यार मैं तो गिरी जा रहा हूँ इसमें यार, क्या हो गया है। खैर भाई छोड़ो, आज यार ज़्यादा एक्साइटिंग हो रखी है इसलिए भाई मैं ठीक से कार नहीं चला पा रहा हूँ। तो यार देख सकते हो ये हमारी जो है कार आ गई है, और इधर पे अब अपन अपनी मंगा लेते हैं R15। अब इधर पे भाई हमारी थार मैं इसके ऊपर चढ़ा दूंगा। तो भाई तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे जल्दी से जल्दी 1K की फैमिली कम्प्लीट करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।